सब्सक्राइब करें लवकेश तंवर चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत ने बना डाला विश्व रिकॉर्ड। सुखोई सभी ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमान से फ्लिजुएल से गिराया गया है। और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आगे तक देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश, आप देख रहे हैं लोकेश तंवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हवा से जमीन पर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण दुश्मनों के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि इस परीक्षण के बाद ब्रह्मोस का इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसको पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है और भारत की कंपनियों ने भी उनके साथ मिलकर काम किया है। और जो सुखई और ब्रह्मोस का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त है। सुखोई एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और ब्रह्मोस ने भी इसके साथ साथ अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, जिसको भारतीय सेना 10 से 15 साल से यूज कर रही है, जो कि जमीन की सतह के साथ मिलकर चलता है। और ये एक बहुत अच्छी मिसाइल है, ये पता लगा लेती है दुश्मन के रडार को कहां तक दुश्मन रहते हैं। और इसकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है, मतलब कि यानी दुश्मन कहीं भी छुपा हो, जमीन के नीचे हो, पानी के नीचे हो, कहीं पर भी हो, ये वहीं पर ढूंढ कर इसको मार सकती है। मतलब बहुत अच्छी मिसाइल है। उसकी रेंज 295 किलोमीटर है और इसके साथ सुखई का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है जिसकी रेंज अनलिमिटेड हो गई है, मतलब कि ये कहीं पर भी निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज अनलिमिटेड है, बहुत दूर तक ये वार कर सकती है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पहली बार भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से प्रशिक्षण किया गया है, जो कि सफल रहा। इसके साथ भारत पहला देश बन गया जिसके पास जमीन, समुद्र और हवाई से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुखोई 30 MKI या SU-30 विमान के फ्यूजलेज में गिराया गया। दो चरणों में काम करने वाला मिसाइल का इंजन चालू हुआ और वह बंगाल की खाड़ी में स्थित अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। इस परीक्षण से भारतीय वायुसेना की हवाई युद्ध ऑपरेशन क्षमता खासी बढ़ जाएगी। 2.5 टन वजन वाली यह मिसाइल हथियार ले जाने के लिए मॉडिफाई किए SU-30 विमान पर ले जाया गया और सबसे वजनी हथियार है। वैसे अब ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र तथा हवा में चलाया जा सकता है और इसी के साथ भारत के पास युद्ध की स्थिति में बेहद अहम क्रूज मिसाइल ट्रायड पूरा हो गया है। दोस्तों, ये था इस मिसाइल के बारे में। यदि आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये बहुत अच्छी मिसाइल है जो कि समुद्र, हवा और पानी में चल सकती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक कर देना।